कांग्रेस पाटिल सत्यजीत बाणी ये सब गए भुसावल तालुके के, तो इनसे मैंने अनुरोध किया कि देखो गुरु महाराज ने इस तरह बताया है, अगर आप सब लोग चाहो तो इसको इसको तैयार कर दो। तो ला भाई झंडा दिखाते हैं लोगों को और उसका सारा बता भी देते हैं, नहीं वो तिरंगा तिरंगा करते रहेंगे, नीचे लगा, नीचे लगा, ऊपर उठा करके दो, नीचे नहीं। देखो ये झंडा, इस पे लिखा है सतयुग आगमन संगत मंगल कामना ध्वज, ये संगत की मंगल के कामना के लिए है। इसको पकड़ने के बाद किसी भी की निंदा आलोचना बुराई तुम नहीं कर सकते हो। बुराई करना है, स्मरण ध्यान भजन नहीं करना है तो इस झंडे को पकड़ने की जरूरत नहीं है। इस झंडे को अयोध्या फैजाबाद में सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर ग्राम बड़ेला के प्रांगण में सूर्य मुख हवन पूजन करके गुरु महाराज के आदेश अनुसार तब इस तरह से वो नहीं बना था, सादा था, केवल उसका रूप उसकी रूपरेखा बनी थी। सूर्य मुख हवन पूजन करके वहां सन 2013 में फरवरी के महीने में फहराया गया और इसका जो खुशी भोज होता है वो भी किया। अब इस झंडे का असली प्रारूप आपके तालुका महाराष्ट्र भुसावल में बन करके तैयार हुआ और इसको हमारी गुरु बहनों और भाइयों ने अथक प्रयास करके बनाया। अब इसकी जब प्रिंटिंग की बारी आई तो इस पे पहले धानी रंग से लिखा था, तब यहीं पर बैठी हैं वो हमारी गुरु बहन आपके महाराष्ट्र की हैं किरण काले और उनके पति पिंटू काले भी बैठे हैं। तो इनको गुरु महाराज ने आकर के अंतर में बताया, बाहर से नहीं अंतर में, कि बच्ची लाल रंग से लिखना, तो अगर इनसे नहीं बताते तो इन्हें भी विश्वास नहीं होता कि शायद गुरु भाई को कुछ भ्रम हो गया है। तो इन्होंने लाल रंग से इसकी प्रिंटिंग करवाई। अब ऊपर अपने सदगुरु का झंडा है, इस पे लिखा है ओम। ओम का मतलब है जो दूसरे धाम का हमारा नाम है, वहां गुरु की बैठक है, वहीं से सीधी हमारी तुम्हारी सवाल हो रही है। फिर लिखा समरस संत सतगुरु जय गुरुदेव। उसके बाद में गुरु महाराज का चित्र बना हुआ है, साफ साफ आप देख सकते हैं। उसके आगे लिखा सतयुग आगमन संगत मंगल कामना ध्वज। इसके आगे एक स्टार बना है, ये हमारी सूरत जीवात्मा का प्रतीक है। इससे नीचे जो धानी रंग लगा है ये प्रभु राम का भी सम्मान है और जो हरि का घाट है तीसरा धाम जिसको हम पार ब्रह्म कहते हैं, जिसको प्रभु राम का असली देश कहा जाता है, जहां पर हमारी महिलाएं कट जाती है, हमारे चारों शरीर मनुष्य मानव पोल लिंग शरीर कर्ण शरीर सूक्ष्म शरीर के कपड़े सूरत जीवात्मा से उतर जाते हैं, निर्मल पवित्र हो जाती है। उस धाम के मालिक हरि का ये प्रतीक है, ये धानी रंग। इससे नीचे जो गुलाबी रंग लगा हुआ है ये खुशी और सौहार्द का है, ये सतयुगी रंग है। और इस पे लिखा हुआ है सब कुछ साफ साफ और नीचे ये सूरत जीवात्मा का चिन्ह बना हुआ है, स्टार तारा चमचमाता हुआ। इस तारे को इस घाट से उठा करके इस अनाम देश में ले चलना है हमको, तुमको स्मरण ध्यान भजन करके। इस झंडे का यही भेद है, पर इसको क्या कहते हैं तिरंगा। हमारे ही गुरु भाई प्रेमी कहते, देशवासी नहीं कहते, यह आध्यात्मिक झंडा है और वो हमारे देश का गौरव है, वो हमारे देश का झंडा है, यह आध्यात्मिक झंडा है। उसको लेने के बाद तो हम सर भी कटा सकते हैं और इसको लेने के बाद भी सर कटा सकते हैं, लेकिन धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए और उसको देश के लिए। और हर एक बच्चे बच्चे को पूरा अधिकार है कि अपने देश के प्रति वफादार रहे, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रांत या प्रदेश में रहता हो, पर भारत देश का अगर नागरिक है तो भारत देश के प्रति वफादार रहना पड़ेगा। और अगर आप परम संत बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं तो तुम्हें स्मरण ध्यान भजन करके
आत्मबोध आत्मज्ञान प्राप्त करना ही होगा। सत्संग कितना भी सुन लो, भंडारे कितने भी खा लो, उससे तुम्हें मुक्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं है, और ना इस तरह तुम्हें कोई बताने आएगा और ना ही सुनाने आएगा। तुम्हें बुरा लगता हो तो हम आपके गुरु भाई हैं, क्षमा चाहते हैं, पर क्या करें, हम कहे तो अपने भाइयों से ही रहे, किसी दूसरे से तो नहीं कह रहे कि आप सुनान ध्यान भजन करो, जिस तरह हमें लड्डू मिल रहे हैं तुम्हें भी मिले। और ये बताते हैं आपको सीना ठोक करके कि हमारे सदगुरु को जब हाजिर नाजिर मान करके आप काम करोगे तभी होगा। 24 घंटे वो तुम्हारे साथ हैं, पर तुम्हें पता नहीं चल पाता कि वो तुम्हारे साथ हैं। आप जब गुरुदेव खेत में बोल देते हो, कोई दिक्कत होती रास्ते में बोल देते हो, तो वहां मदद हो जाती, तो वो कहीं चले जाते हैं, तुम्हारे साथ नहीं होते। तो अब हम एक प्रार्थना बोलेंगे, उसके बाद में आपसे अनुरोध।